गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के रिलेटेड जो थे हमारे लेक्चर चल रहे थे। लास्ट गवर्नर जनरल जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था वो किया था एडवर्ड हेस्टिंग के बारे में। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो एडवर्ड हेस्टिंग के बाद आते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है विलियम एमर्स्ट। इनका रूल रहता है 1823 से लेके 1828 तक इनका रूल रहता है। अब इनके रूल में क्या होता है, एंग्लो बर्मा वार होती है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार। कब से कब तक? 1824 से 1826 तक। और जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार है इसे कहा गया है लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वार इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव वार थी किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वार ब्रिटिशर्स के लिए लॉन्गेस्ट थी और एक्सपेंसिव वार थी। कौन सी वार? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार। अब वार कब से कब तक चली? 1824 से लेके 1826 तक वार चली और ट्रीटी होगी 1826 में, ट्रीटी ऑफ यंडागु। ट्रीटी ऑफ यंडागु होती है कब? 1826 में। ट्रीटी ऑफ यंडागु 1826 में क्या होता है? एनेक्सेशन हो जाती है, एनेक्सेशन ऑफ असम, मणिपुर, अराकेन एंड तानसेरीम फ्रॉम बर्मा। 24 से 26 तक वार चली, 26 तक वार चली, जाहिर सी बात है अगर वार एंड हुई 26 में तो ट्रीटी भी कब होगी? 26 में। 26 में ट्रीटी ऑफ यंडागु इंग्लिश और बर्माज के बीच में होती है, एनेक्सेशन होती है। इंग्लिश एनेक्स कर लेते हैं कौन कौन सा एरिया बर्मा से? असम, मणिपुर, अराकेन एंड तानसेरीम फ्रॉम बर्मा। और इसके टाइम में, विलियम एमर्स्ट के टाइम में एक म्यूटनी होती है, एक बगावत होती है। अगर आपने मेरे कल के लेक्चर्स देखे थे, मैंने वो डिस्कस किया था, जॉर्ज बार्लो के टाइम में एक म्यूटनी होती है, वेलोर म्यूटनी। इंडिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी म्यूटनी, सबसे पहली और बड़ी म्यूटनी, लार्ज स्केल वायलेंट म्यूटनी जो होती है 1806 में होती है, जिसका नाम था वेलोर म्यूटनी। अब वेलोर म्यूटनी के बाद जो दूसरी म्यूटनी होती है वो 1826 में होती है, वो 1826 में होती है दूसरी म्यूटनी, बैरकपुर म्यूटनी इसका नाम है, बैरकपुर म्यूटनी 1826। अब जो बैरकपुर म्यूटनी होती है 1826, ये कौन करता है? इंडियन स्पाइस होते हैं, कौन से? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस म्यूटनी के पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो जो इंग्लिश इंडियन सिपाहीज है उनके साथ इन्फीरियर ट्रीट करते हैं और अपने ब्रिटिश सिपाहीज के साथ सुपीरियर ट्रीटमेंट करते हैं, और अपने ब्रिटिश जो सिपाहीज होते हैं उनको अलाउंसेस अच्छे देते हैं और इनको अलाउंसेस नहीं देते। और साथ में जब इस वक्त यहाँ पे वार चल रही होती है एंग्लो बर्मा वार, तो क्या किया जाता है? सिपाहीज को यहाँ से ले जाया जाता है, कहाँ पे? बर्मा की तरफ ले जाया जाता है। उस दौरान जो इंडियन सिपाहीज और ब्रिटिश में जो है वो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और उसे कहा गया क्या? बैरकपुर म्यूटनी 1826 में होती है। और ये रिवॉल्ट कौन लेड करता है? ये म्यूटनी या रिवॉल्ट कौन लेड करता है? बिंडा। रिवॉल्ट वाज लेड बाय
बिंडा बिंडा ये रिवार्ड को लैंड करते हैं इन दिस रिवार्ड अबाउट 200 इंडियन स्पाइस वर किल्ड। अब इस रिवार्ड में क्या होता है, लगभग 200 इंडियन स्पाई जो है वो मारे जाते हैं और इस रिवार्ड को कौन लैंड करता है, रिवार्ड चलाता है कौन, बिंडा। 1857 से पहले दो म्यूटनी हुई, जो फर्स्ट लार्ज स्केल वायलेंट म्यूटनी थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वैलोर म्यूटनी। उसके बाद जो सेकंड म्यूटनी होती है वो बंगाल म्यूटनी होती है, सॉरी बैरकपुर म्यूटनी, बैरकपुर बंगाल में 1826 में ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती है और इस रिवार्ड को हेड करते हैं बिंडा। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ से जो सोल्जर्स हैं उन्हें ले जाया जाता है बर्मा की तरफ, बर्मा में वार चल रही होती है उस दौरान इंडियन स्पाइस और ब्रिटिश ऑफिसर्स के दौरान कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और रिवॉल्ट होती है जिसमें 200 इंडियन स्पाइस जो है वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जनरल और एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक का रेंज जो रहता है, जो उनका रूल रहता है 1828 से लेकर 1835, मैंने ऐसे स्टार लगा दी है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। आइए हम जो है विलियम बेंटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग हिज टेनर, इनकी बैकग्राउंड देखते हैं कहां से थे पहले ही। ड्यूरिंग हिज टेनर एज ए गवर्नर ऑफ मद्रास, वेलोर म्यूटनी टू प्लेस। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वेलोर म्यूटनी के बारे में बताया था, अब उसको गवर्नर मद्रास के कौन होते हैं, विलियम बेंटिक होते हैं, जिसको वहां पे जो है वेलोर म्यूटनी जो है वो होती है और उसको गवर्नर मद्रास के कौन होते हैं, विलियम बेंटिक। एंड ही वाज रिकॉर्ड इन 1807। विलियम बेंटिक को दोबारा बुला दिया जाता है कब, 1807 में, गवर्नर रह चुके हैं मद्रास के जब वेलोर म्यूटनी होती है। अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, किसने मेरे पहले वीडियो वेलोर म्यूटनी के बारे में नहीं देखी है, इससे पहले गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो मैंने पढ़ाया था, आप फर्स्ट जो है वो वीडियो को उस वीडियो को देख लें। अब इनकी कौन सी पॉलिसी होती है, इनकी पॉलिसी होती है विलियम बेंटिक की पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स। कौन सी पॉलिसी ये चलाते हैं, इनकी पॉलिसी होती है नॉन इंटरवेंशन और नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। अब इनके टाइम में क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रूल, चार्टर एक्ट इनके टाइम में 1833 का पास्ड होता है एंड बेंटिक became the first governor general of India। चार्टर एक्ट पास होता है 1833 का। अब चार्टर एक्ट 1833 में यह किया जाता है एंड बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था गवर्नर जनरल, मैंने आपको पढ़ाया
जितने गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे थे वो थे गवर्नर जनरल बंगाल के। अब बेंटिक को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया किसका, इंडिया का। अब इंडिया का गवर्नर जनरल बने ये 1833 में, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ठीक है। अब इनका जो रूल था 1828 से 1835 तक, और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके, बंगाल के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने किसके, इंडिया के। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, विलियम बेंटिक के बाद की और हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इन 1831 ही डिपोज्ड द किंग ऑफ मैसूर। 1831 में ये क्या करते हैं, मैसूर के किंग को हटा देते हैं। नेक्स्ट हिज टेरिटरीज एंड पुट अंडर द चार्ज ऑफ ए कमिश्नर। किंग ऑफ मैसूर को हटा दिया जाता है, विलियम बेंटिक से हटाते हैं, इसके टेरिटरीज को अनेक्स किया जाता है, और किसके अंडर दिया जाता है, इसका चार्ज किसे दिया जाता है, कमिश्नर का। और कमिश्नर कौन बनते हैं, मार्क क्यूबन। मार्क क्यूबन वाज कमिश्नर फ्रॉम 1834 to 1861। और मार्क क्यूबन कमिश्नर बनते हैं मैसूर के कब से कब तक, 1834 से लेकर 1861 तक। और क्या करते हैं, मैंने आपको कहा इनकी पॉलिसी है नॉन इंटरवेंशन, मतलब नॉन इंटरफेरेंस की, और ये अच्छे रिलेशन रखेंगे प्रिंसली स्टेट के साथ। और ये क्या करते हैं, ही साइंड इन दिस नेविगेशन ट्रेडी विद रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं जिसका नाम होता है इंडस नेविगेशन ट्रीटी, साइन करते हैं रंजीत सिंह के साथ। और क्या होता है, रिवर सतलुज को ओपन किया जाता है, रिवर सतलुज वाज ओपन फॉर नेविगेशन। जैसे मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि महाराजा रणजीत सिंह ट्रीटी साइन होती है इंग्लिश के साथ, वो ट्रीटी साइन करते हैं मिंटो फर्स्ट के रोल में, रिवर सतलुज को बाउंड्री लाइन बना दिया जाता है, मतलब ईस्ट रिवर सतलुज को बाउंड्री लाइन बना दिया जाता है रणजीत सिंह एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब जब जैसे विलियम बेंटिक का दौर आता है, अब रिवर सतलुज एक बाउंड्री लाइन है, वहां नेविगेशन नहीं हो सकती। जैसे रंजीत से सॉरी विलियम बेंटिक का रेन आता है, तो विलियम बेंटिक रंजीत सिंह के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं जिसके तहत रिवर सतलुज को नेविगेशन के लिए ओपन किया जाता है। अब नेक्स्ट इनके रिफॉर्म्स अब देखते हैं, इनके और कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं। अब इनके सोशल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, सती को बैन करते हैं, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग प्रैक्टिस। मतलब विडो बर्निंग क्या हो गया, सती इन हिज बंगाल रेगुलेशन
ऑन 4 दिसंबर 1829। सती प्रथा को प्रतिबंध किया जाता है, उससे उसको बैन किया जाता है, प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग। विडो बर्निंग मतलब सती, इन हिज बंगाल रेगुलेशन 17 और 4 दिसंबर 1829 को ये क्या एक रेगुलेशन लाते हैं, इसका नाम होता है बंगाल रेगुलेशन 17 4 दिसंबर 1829 को प्रोहिबिट करते हैं सती। उसके बाद पहले बंगाल में से प्रोहिबिट किया जाता है, लेटर उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। लेटर इट वॉज प्रोहिबिटेड इन कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बच गई, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रोहिबिट किया जाता है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये इनके सोशल रिफॉर्म है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस को भी प्रोहिबिट किया जाता है, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस को भी ये जो है विलियम बेंटिक क्या करते हैं, प्रोहिबिटेड करते हैं, ओवर क्या करते हैं इन 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड 1835 में। विलियम बेंटिक क्या करते हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं। अब और जो इनके नेक्स्ट रिफॉर्म देखते हैं हम, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, अब 1828 में क्या होता है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वाज पुअर। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वाज और 1828 में फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की वही हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि इससे पहले म्यूटनीज भी हो चुकी हैं। अब 1828 में फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पोर हो चुकी है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन को विलियम बेंटिक जो है ठीक करता है, कैसे ठीक करता है, ही रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एडिशनल स्टाफ वर रिमूव्ड। बैंटी क्या करते हैं कि जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज की उसे कम किया जाता है और जो एडिशनल स्टाफ है उसे हटा दिया जाता है। और क्या करते हैं, इन मिलिट्री डिपार्टमेंट ही अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल पता मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्या करते हैं कि जो सिस्टम होता है डबल पत्ता का, ऐसे एडिशनल जो अलोमेंस दिए जाते हैं आर्मी पर्सन को, उसे ये क्या करते हैं, उसे अबॉलिश करते हैं, उसे खत्म करते हैं। ये थी फाइनेंशियल रिफॉर्म। अब आगे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के बाद, इनके आगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये क्या करते हैं, इन जुडिशरी
ही अबॉलिश्ड द प्रोविंस कोर्ट्स ऑफ अपील इस्टेब्लिश्ड बाय कॉर्नवेलिस जुडिशरी में क्या करते हैं, जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील कॉर्नवेलिस ने इस्टेब्लिश किया किए होते हैं उन्हें ये खत्म करते हैं। मैं कॉर्नवेलिस में प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील कौन कौन से थे। अब जुडिशरी में प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील को जो है वो अबॉलिश किया जाता है। ही इंट्रोड्यूस लोकल लैंग्वेज इन द लोअर कोर्ट एंड इंग्लिश इन द हायर कोर्ट्स। अब यह करते हैं लोकल लैंग्वेज लोकल कोर्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं और इंग्लिश कहाँ पे हायर कोर्ट्स में, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं इंडिया की। इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इंग्लिश को इंडिया की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना दिया जाता है। और इनके बारे में जो और रिफॉर्म से क्या करते हैं, ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट्स वर पास्ड। अब ठगी और डकैती सप्रेशन एक्ट पास किए जाते हैं। ठगी और डकैती सप्रेशन एक्ट क्या, ये थीव्स और रोबर्स होते हैं जो हेरिडिटरी रोबर्स होते हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से बिगाड़ के रखते हैं, ये लोगों को लूटते हैं, लोगों को मारते हैं। और ठगी और डकैती सप्रेशन एक्ट जो है वो विलियम बेंटिक जो है वो पास करते हैं। इसी के साथ हमारा जो है ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। विलियम